हिंदी दिवस है बेटा हिंदी में तो बताना पड़ेगा आज बताइए Guess ही कर लो एटलीस्ट कुछ तो आंसर आए यस अरे ट्वेंटी थ्री

प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हिंदी में क्या कहेंगे सिंक्रोनाइज करना क्या होता है जल्दी बताओ फिर क्लास शुरू करिए तुल्यकालन ये कुछ ज्यादा हिंदी नहीं होगी थोड़ी ऐसी लेमेन वाली हिंदी बताओ कि समझ में आए प्रक्रिया ओके okay, हाँ प्रक्रिया ठीक है प्रोसेस आई गूगल ट्रांसलेशन से किया ना कृष्णा

एक वर्ड तो मुझे याद आ रहा हिंदी में देखे तुम्हें भी वो याद आता है क्या क्या साथ साथ प्रक्रिया हाँ, साथ साथ हाँ हाउ ठीक है साथ साथ लेकिन सही नहीं है एग्जैक्टली exactly नहीं होगी सिंक्रोनाइजेशन का ये मिलाप नहीं बेटा तो मिलाप तो नहीं है सिंक्रोनाइजेशन समथिंग मीन्स जैसे कि जिसने भी कहा है कि साथ साथ कोई काम हो रहा होगा आ गणनीय संज्ञा नहीं ऐसा तो नहीं है आदर्श कुछ और सोचो कौन है हिंदी मीडियम का कोई तो होगा <laughs> अपनी क्लास में कोई है नहीं क्या हिंदी मीडियम वाले सब इंग्लिश मीडियम के हो गया ट्वेंटी सिक्स पार्टिसिपेंट्स कोई है अब कुछ तो सजेस्ट करो मतलब ऐसे कैसे साथ साथ होना होने वाली प्रक्रिया हाँ ठीक है साथ साथ होने वाली प्रक्रिया लेकिन मतलब और भी अच्छे वर्ड्स हो सकते हैं के मतलब ठीक है साथ साथ होना अच्छा है वो वो सुनते हो कभी क्या कहते हैं वो जो सिंगिंग कंपटीशन वगैरह होते हैं <coughs> क्या समकालीन नहीं नहीं नहीं, नहीं। समकालीन मतलब ठीक है लेकिन कॉन्टेक्स्ट इसका अलग है समकालीन मीन्स यू नो वी कैन दैट सेम सेम समकालीन मतलब के जैसे कि मान लो कह के महात्मा गांधी के समकालीन कौन थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे पटेल जी थे राइट वो समकालीन वो वाला कॉन्टेक्स्ट आ जाता है ये तो वही हो गया ना सेम टाइम हाँ, वो ठीक है वो तो मैं एग्री हो रहा हूँ काम हो रहा है लेकिन कुछ और अच्छे वर्ड्स आप ला सकते हो सिंक्रोनाइजेशन के हाँ, मैं तुम्हें चलो पहुंचाता हूँ वहाँ तक उस वर्ड तक तुम खुद ही बताओगे आप वो सिंगिंग कंपटीशन वगैरह सुनते हो ना वो जो आते हैं सुर ताल वगैरह उसमें जाची जाती है राइट हेलो सुन ना तुम लोग yes, हाँ yes, sir. तो yes, sir. मैंने आंसर बता दिया बताओ उसमें कौन सा आंसर है <laughs> ताल ताल यस <laughs> yes. ताल सिंक्रोनाइज मींस यू हैविंग द सेम ट्यूनिंग्स मींस यू आर वेल सिंक्रोनाइज्ड मींस अगर आपके पास वो क्या कहते हैं तबला बोलते हैं उसको तबला है हारमोनियम है दे आर इन सिंक्रोनाइज्ड मैनर मतलब आपके जो भी क्या कहते हैं उसके जो भी नोट्स हैं म्यूजिक के दे आर सिंक्रोनाइज्ड इन मैनर सो दैट इ मेलोडी आपकी निकल कर आ रही है वहाँ से राइट right? तो आप सुनते नहीं जजेस क्या कहते हैं कि यू वर वेरी सिंक्रोनाइज इन योर सिंगिंग राइट सुना है आपने कभी कमेंट्स ऐसे एक ही टाइम पे कई काम करना या एग्री दैट तबला भी बज रहा है आपका हारमोनियम भी बज रहा है बाँसुरे भी बजा रहे हैं तो बट इफ दे हैव टू बी इन सिंक्रोनाइज मैनर अदरवाइज क्या होगा वो म्यूजिक नहीं वो एक शोर हो जाएगा राइट right? के तबला अलग बज रहा है आपका हारमोनियम अलग बज रहा है मतलब कोई ट्यूनिंग ही नहीं है समझ रहे हैं आपको मैं क्या बता रहा हूँ तो जब भी आप म्यूज़िक सुनते हैं तो वो क्या होते हैं उसमें जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं दे आर ट्यूनिंग एंड हैव हैवे सिंक्रोनाइज मैनर में वो जब बजाते हैं तब एक मेलोडी आपको मिलती है म्यूज़िक की अदरवाइज क्या होगा एक क्योस होगा एक शोर सा आपको सुनाई देगा कि तबला भी बज रहा, रहा है हारमोनियम भी बज रहा है मतलब सब लोग एक साथ बजा रहे हैं कोई ट्यूनिंग यही कहते नहीं कि ये जब भी कभी आपने कोई बैंड कॉम्पिटिशन वगैरह सुने होंगे तो क्या होता है एक मान ली कोई बहुत ज़्यादा ही शोर मचा रहे हैं उनमें कोई ट्यूनिंग ही नहीं है कुछ आपको जो भी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है उनकी डिफरेंट म्यूजिक नहीं ही नहीं सुनाई दे रही है तो आप क्या कहते हैं कि उनके यस दे वर नॉट सिंक्रोनाइज फाइव टू सिक्स पर्सन होते हैं एक बैंड में राइट right? लेकिन वही एक बैंड सुनिए उसमें आपको हर एक इंस्ट्रूमेंट की डिफरेंट म्यूजिक सुनाई दे रही है एंड दे आर सो सिंक्रोनाइज इन देयर एक्टिविटी कि आपके ईयर्स को वो मेलोडी इतनी अच्छी लगती है कि आप बार बार उसको सुनना चाहते हैं नाउ एवरी वन इज़ अंडरस्टैंड वॉट इज Synchronization, yes or no? मीन्स ताल की कितनी अच्छे से आप दूसरे से कदम से कदम मिला के चल रहे हैं जैसे हमारी आर्मी परेड करती है पुलिस परेड करती है आप देखते हैं दे आर सो सिंक्रोनाइज इन देयर परेड दैट जब हाथ उठाते हैं तो सब लोग एक जैसे एक तरफ हाथ उठा हुआ है जब बैक साइड जा रहे हैं तो उनका लेग उस साइड में तो जब वो लोग चलते हैं एक साथ में तो देखो कितना सिंक्रोनाइज मैनर में वो चलते हैं तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि रियल वर्ल्ड में सिंक्रोनाइजेशन आप कहाँ कहाँ देखते हैं तो एवरी इज एग्री विद दिस सिंक्रोनाइजेशन समझ में आया आपको समझ में आया यस और नो ओके तो अच्छा मुझे एक बताओ अगर मैं परेड का एग्जाम्पल लेता हूँ जैसे आर्मी आपकी परेड कर रही है ट्वेंटी सिक्स जनवरी में सपोज या फि फिफ्टीन ऑफ अगस्त में परेड चल रही सपोज़ एक लंबी से मतलब वो लोग ब्लॉक में चलते हैं राइट अब जैसे मान लो उनका आया कि एक राइट हैंड आगे जाने वाला है सपोज़ उस टाइम पे एक सोल्जर ने क्या किया उसने हैंड पीछे कर दिया राइट तो क्या होगा उसके पीछे जो सोल्जर होगा उसका हाथ तो आगे होगा उस टाइम पे क्योंकि एस पर जो उनकी कदम ताल है कि हाथ आगे जाना चाहिए बट उसमें से जो एक सोल्जर था उसमें ने क्या किया हाथ आगे जाने के बजाय उसका हाथ बैक साइड चला गया तो वहां पे क्या होगा बताओ पीछे वाले सोल्जर से उसका हाथ लड़ेगा ना यस और नो क्या होगा राइट उस पीछे वाले सोल्जर से उसका हाथ लड़ेगा मीन्स कुछ क्लैश होंगे राइट right? तो उस टाइम पे क्या होगा फिर वो जो पीछे वाला सोल्जर होगा वो सोचेगा यार नहीं शायद मैं गलत करा था आगे वाला सही कर रहा है तो वो भी उस टाइम पे पीछे हाथ करने की कोशिश करेगा तो फिर पीछे वाले से लड़ेगा तो क्या होगा दे दे आर नॉट सिंक्रोनाइज फिर जब वो परेड ऐसी हो रही होगी कि सब कोई भी कहीं भी हाथ लेके जा रहा है तो क्या होगा क्या होगा बहुत ही गंदा सा लगेगा देखने में राइट सो so, हमें क्या करना है जब भी हम एक टीम में काम कर रहे होते हैं तो हमें क्या करना होता है उनसे अपनी ट्यूनिंग बैठालनी होती है उनसे अपनी एक्टिविटी को सिंक्रोनाइज़ करना होता है जस्ट लाइक like आप लोग एग्ज़ाम में कभी किया जैसे फाइव फोर यूनिट है आपके सिलेबस में तो एग्जाम में आपने कहा कि एक फ्रेंड फर्स्ट यूनिट तैयार कर लेगा दूसरा फ्रेंड सेकंड यूनिट तैयार कर लेगा थर्ड फ्रेंड थर्ड यूनिट फोर्थ फ्रेंड फोर्थ यूनिट फिर बीच में वॉशरूम वगैरह जाओगे तो वहाँ से सब आंसर मिल जाएंगे राइट तो ये क्या है आप लोग सिंक्रोनाइज है ना टाइमिंग आप लोगों ने सेट कर ली कि ग्यारह बजे आना है वहाँ पे ठीक है तो सब ग्यारह बजे सब लोग अलग अलग रूम से वहाँ पहुंच जाएंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा है ना ऐसा होता है ना यस और नो ऐसे करते ना आप एग्जामिनेशन में टेल यस और नो नहीं करते आप लोग अच्छा काफी शरीफ लोग हैं आप लोग कभी नहीं किया ऐसा अच्छा सर पहले कर देते बड़े हो गए ओके okay. यूनिवर्सिटी है <laughs> इतना टाइम कहाँ देते हैं अरे थ्री आवर्स की मैं एंड सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ थ्री आवर्स बहुत होते हैं चलो लेट्स सी

सपोज वन एल्डर ब्रदर वन यंगर ब्रदर एंड यू सो सम लाइक दैट तो आपके घर में एक ही टी वी है और एक remote है Now अगर आप लोगों ने क्या किया एक दूसरे की टाइमिंग समझ ली तो आपने क्या किया दूसरे से अपने आप को सिंक्रोनाइज किया कि चलो ये सुबह की टाइमिंग का दो घंटा ये पापा का है देन ये मम्मा का है देन ये भाई का है ये सिस्टर का है या मेरा है तो जो आप लोगों ने आपस में क्या किया सिंक्रोनाइज़ किया कि जो सिंगल रिसोर्स है टीवी उसको कैसे यूज़ करना है लेकिन अगर आपने सिंक्रोनाइज़ नहीं किया होगा तो सपोज़ आप गए टीवी देख रहे हैं आपका छोटे भाई आ गए कि भैया मुझे कार्टून देखना है तो वहाँ पे क्या होगा क्लैश होगा है ना लड़ाई झगड़ा मारपीट होगी है ना तो इशूज़ होंगे और है ऐसा इंडिपेंडेंट एक ओके okay, रोहित एकदम सही थैंक यू तो ये क्या है तो हमें क्या करना है सिंक्रोनाइज करना है अगर हमने क्या करना है जो शेयर्ड जितने भी रिसोर्सेस हैं अगर आप उनको यूटिलाइज करना चाहें तो तो वहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन आपका इंपॉर्टेंट है सो लेट सी वॉट वी कैन अंडरस्टैंड इन द कॉन्टेक्सट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वॉट इज़ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन ओके और ये आया कहाँ से प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन आपकी लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था बताइए लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था ये उसके आगे का पार्ट है लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था आपने टाइप करिए लास्ट क्लास में क्या डिस्कस हुआ था मैंने बताया था कि ये आपका फाउंडेशन बता रहे हैं आपको सेकेंड यूनिट का ये इसके आगे से सेकेंड यूनिट स्टार्ट होगी जिसमें इसका काम पड़ेगा लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था बताइए वॉट वॉज द टॉपिक इन लास्ट क्लास खमान अरे खमोहन आंसर मी या इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कूल इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन सो वहाँ पे क्या हो रहा था आपको क्या बताया गया था कि जो कंकरंट प्रोसेस हैं कितने टाइप के होते हैं टू टाइप के होते हैं एक होता है इंडिपेंडेंट प्रोसेस और दूसरा होता है कोऑपरेटिंग प्रोसेस इंडिपेंडेंट प्रोसेस वो होते हैं जो आपके रिसोर्सेज जो होते हैं उनको शेयर नहीं करते हैं मीन्स वो इंडिपेंडेंट अलग काम कर रहा है दूसरा एक प्रोसेस इंडिपेंडेंट अलग काम कर रहा है तो अगर कोई प्रोसेस कुछ शेयर ही नहीं कर रहा है दैट मीन्स कि आपके घर में पाँच अलग अलग टीवियाँ हैं पाँचों अपने टाइम पर वे भी, भी कुछ देख रहे हैं उन्हें कुछ शेयर ही नहीं करना है तो किस बात का कम्युनिकेशन तो मतलब अपनी दुनिया में हो वो अपनी अलग दुनिया में जस्ट लाइक इन टुडेज सिनेरियो दैट एवरीवन इज हैविंग मोबाइल फोन फॉरगेट अबाउट टीवी दैट टीवी तो आजकल कौन देखता है सबके पास स्मार्टफोन है तो पांच लोग हैं घर में पांचों के पास, पास स्मार्टफोन है अब सब अपने-अपने रूम में बैठे हैं मोबाइल चल रहा है राइट right, तो वो क्या हो गया इंडिपेंडेंट प्रोसेस हो गए उन्हें किसी दूसरे से कुछ लेना देना ही नहीं है जो घर में है तो वो क्या है तो वहाँ पे कम्युनिकेशन का कोई मतलब ही नहीं है बट जब आपके घर में केवल एक ही स्मार्टफोन है एक ही टीवी है तब आपको रिसोर्स को शेयर करना है तब यू हैव टू टॉक के आपको तो नहीं कहीं फ़ोन करना है मम्मी कहेंगी हाँ मुझे अपनी किसी को फ़ोन करना है या किसी मेड को फ़ोन करना है तो आप कोग मुझे अपने दोस्त को फ़ोन करना है पापा आ जाएंगे मुझे ऑफिस में फ़ोन करना है कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपके घर में एक ही फ़ोन है जैसे लैंडलाइन फ़ोन होता था पुराने ज़माने में तो एक ही फ़ोन होता था घर में, 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 में अब घर में मान लो फाइव मेंबर हैं टेन मेंबर हैं अब सब सबको कुछ ना कुछ काम है तो सब देखते हैं कि कब खाली हो रहा है फ़ोन तब उनका नंबर आएगा जैसे कभी आपने देखा होगा पी सी होते थे राइट वो पी की फुल फॉर्म कोई बताएगा पी याद है बॉक्सेस होते थे टीवी में देखा होगा पुरानी मूवीज वगैरह में रोड साइड पीसी होते थे तो उसमें सब खड़े रहते हैं थे बाहर लाइन लगा के के फोन करना है एनी yeah. वन इतने भी पुराने नहीं हो तुम लोग मतलब ज्यादा नए भी नहीं हो इतना तो ही हो पता ही होगा ना पीसीओ पता है या पब्लिक कॉल ऑफिस गुड गुड स्पाइडरमैन की मूवी देखी होगी वो पीसीओ में जाके कपड़े yes, चेंज कर लेता है ना ओके ठीक uh, है तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास सिंगल रिसोर्स है और अगर मल्टीपल लोगों को उसको यूज़ करना है राइट right? तो फिर हमें क्या है वी हैव टू बी सिंक्रोनाइज क्योंकि अंटिल हमारा रिसोर्स फ्री नहीं होता जब तक आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो अगर अभी आपके पापा टी देख रहे हैं तो आप जाके उनसे रिमोट नहीं ले सकते हो राइट यू हैव टू वेट इन केस आपने कुछ ज़्यादा शैतानी करी तो फिर आपको इनाम भी मिल जाएगा पापा के साइड से है ना ठीक <laughs> है तो लेट्स कि अगर प्रोसेस सिंक्रोनाइज़ नहीं हैं तो क्या इशू होगा और हम उस इश्यूज़ को कैसे रिजोल्व करेंगे प्रोसेस सिंक्रोनाइज़ेशन कैसे करेंगे सो लेट्स स्टार्ट प्रोसेस सिंक्रोनाइज़ेशन एंड इन प्रोसेस सिंक्रोनाइज़ेशन अगर आपको समझाना है तो आपको हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा कि देखते हैं कि कैसे कोई एक्टिविटी हमें कंकरेंट हो रही है तो उसमें क्या इशूज़ आएंगे अगर हमने उसको सिंक्रोनाइज नहीं किया है तो फर्स्ट है यहाँ पर हम जो प्रॉब्लम आज डिस्कस करेंगे वो है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम प्रोड्यूसर मीन्स कोई आप फैक्ट्री ले लीजिए जो कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है सपोज मान ली डेटोल सोप हो गया है वो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस produce कर रहा है कंज्यूमर हम लोग हो गए जो उसको कंज्यूम करेंगे सोप को राइट right? सो so, ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या कहती है आप प्रोड्यूसर प्रोड्यूस produce ए प्रोड्यूसर प्रोसेस प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन दैट इज कंज्यूम्ड बाय ए कंज्यूमर प्रोसेस ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं कि अगर आपका जो भी प्रोड्यूसर प्रोसेस होगा वो इन्फॉमेसन को प्रोड्यूस करेगा और तो कंज्यूम कौन करेगा आपका कंज्यूमर प्रोसेस और अगर आप इसको रियल लाइफ में लेकर जाइए तो प्रोड्यूसर कौन है जो आपके डिटॉल सोप को प्रोड्यूस कर रहा है कंज्यूमर कौन है हम एंड यूजर हैं जो हम उसको कंज्यूम करेंगे ठीक है अब ये हम लोग क्या है कंक्रंट प्रोसेस है ना वो अलग प्रोड्यूसर प्रोड्यूस produce करता रहे कंज्यूमर अलग कंज्यूम करता रहे लेकिन आ, आप अगर सोचिए अगर प्रोड्यूसर ने कुछ प्रोड्यूस किया कंज्यूमर ने सारा कंज्यूम कर लिया और प्रोड्यूसर को लग रहा है कि अभी भी उसके प्रोडक्ट मार्केट में हैं जो कंज्यूम नहीं हुए हैं तो वो और प्रोडक्ट नहीं बनाएगा और कंज्यूमर गया लेने मार्केट में तो उसको वहाँ प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ प्रॉब्लम कि कंज्यूमर को प्रोडक्ट मिल नहीं रहा है और प्रोड्यूसर को पता नहीं कैसे पता लग गया कि वहाँ पे अभी भी प्रोडक्ट मौजूद हैं तो ये कैसे इशू आया यही हम डिस्कस करेंगे और इसको समझाने के लिए लेट मी हैव माय पावर पॉइंट प्रजेंटेशन मैं यहाँ पे इसको बना के भी आपको दिखा देता हूँ कि लेट्स वन शेयर मेमोरी एरिया वी कॉल इट बफर यहाँ पे हम इसको क्या कॉल करेंगे इसका नाम रख दिया बफर और हमारे पास में एक आएगा प्रोड्यूसर प्रोसेस प्रोड्यूसर प्रोसेस है हमारा और एक हमारा यहाँ पे आएगा कंज्यूमर आएगा ठीक है दो लोग हैं और ये क्या है ये आपकी शॉप है बफर एरिया है प्रोड्यूसर क्या करेगा यहाँ से आपका प्रोडक्ट बना के यहाँ पे पुट करेगा और कंज्यूमर क्या करेगा यहाँ से आइटम को कंज्यूम करेगा राइट right? सपोज़ यहाँ पे उसने क्या बना डाला फर्स्टली आइटम वन एक प्लेस कर दिया यहाँ पे आइटम टू प्लेस कर दिया राइट right? तो यहाँ पे क्या है बफर क्या है एक शेयर्ड मेमोरी एरिया है वॉट इट इज़ दिस इज़ शेयर्ड मेमोरी एरिया आप लोगों ने इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में दो मेथड पढ़े थे कि कैसे दो प्रोसेस या मल्टीपल प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं फर्स्ट वन था शेयर्ड मेमोरी एंड सेकंड वन वाज व्हाट योर मैसेज पासिंग राइट तो ये किसका एग्जांपल आपको दिया जा रहा है शेयर्ड मेमोरी एरिया का तो अभी क्या है दो प्रोसेस हैं उनके पास में एक शेयर्ड मेमोरी एरिया है उसका नाम क्या है बफर है राइट right? अब प्रोड्यूसर यहाँ से आइटम को प्रोड्यूस करके यहाँ प्लेस कर देगा और कंज्यूमर यहाँ से कंज्यूम करेगा तो ये है प्रॉब्लम प्रोड्यूसर कंज्यूमर में अब इशू क्या आ रहा है कि सपोज़ प्रोड्यूसर को लगा कि यहाँ आइटम फील्ड है और कंज्यूमर को यहाँ लग रहा है कि आइटम नहीं है तो डेड लॉक की सिचुएशन है सपोज़ बफर की तो एक अपनी मैक्सिमम साइज़ होगा ना कि उस साइज़ के बाद वो बफर में आइटम्स आ नहीं सकेंगे तो अगर वो लिमिट तक पहुँच गया सपोज लेटमी है बफर साइज़ सपोज़ बफर साइज़ हमने क्या ले लिया है थ्री ले लिया है राइट right? तो अगर यहाँ पे आप एक काउंटर ले लो यहाँ पे एक हम काउंटर ले लेते हैं ये काउंटर बताएगा कि बफर में कितने आइटम है ठीक है तो यहाँ पे सपोज हम क्या चेक कराते हैं इफ़ काउंटर इक्वल टू व्हाट बफर साइज अगर ये आपका बफर साइज़ के बराबर हो रहा है तो क्या करेगा बताइए प्रोड्यूसर अगर उसने जो काउंटर है काउंटर क्या बता रहा है नंबर ऑफ आइटम्स इन द बफर तो सपोज आपने बफर साइज थ्री लिया है मैं यहाँ पे तीन आइटम प्लेस कर देता हूँ ठीक है अब जरा मुझे बताइए अगर ये बफर फुल हो चुका है तो क्या प्रोड्यूसर और आइटम प्रोड्यूस करेगा यस और नो इफ काउंटर इक्वल टू बफर साइज तो यहाँ मैंने थ्री आइटम प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर दिया है कंज्यूमर अभी नहीं आया है लेट मी नो व्हाट विल हैपन इन दिस कंडीशन है ना तो प्रोड्यूसर आइटम प्रोड्यूस नहीं करेगा ना क्लियर राइट right? तो यहाँ पे क्या होने वाला है नो एक्शन नो एक्शन बाई प्रोड्यूसर राइट प्रोड्यूसर कुछ नहीं करने वाला yes? uh, 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 so आपका काउंटर जो है बफर साइज के बराबर है तो प्रोड्यूसर कोई एक्शन नहीं लेगा और ये आपको कंज्यूमर कब कौन सा एक्शन नहीं लेगा सपोज़ इफ अगर ये काउंटर आपका ज़ीरो के बराबर है अब बताइए मीन्स काउंटर ज़ीरो है मीन्स इसके अंदर कोई आइटम ही नहीं है इसके अंदर कोई आइटम ही नहीं है ये एम्प्टी है अब बताइए नो इश्यूज़ बताइए कंज्यूमर क्या करेगा अगर काउंटर ज़ीरो है कंज्यूमर क्या करेगा कुछ कर सकता है अगर हमारे पास में बफर इमट्टी है कंज्यूमर क्या करेगा कुछ कर सकता है यस और नो। बताइए यस और नो। राइट। तो यहाँ पे भी क्या होने वाला है नो एक्शन यहाँ पे क्या होगा नो एक्शन इफ काउंटर इक्वल टू जीरो तो कंज्यूमर कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता है और प्रोड्यूसर क्या है अगर वो बफर साइज तक मैक्सिमम बफर साइज तक उसने काउंटर पहुंचा दिया है तो भी कोई एक्शन नहीं होगा अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो आपने काउंटर लिया है ये क्या है मेन तो ये है जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर रहे हो कि जाना कहाँ है राइट right? मींस ये बफर फुल है या माइनस है जब भी आप कोई आइटम इसमें लेकर जाओगे इसके अंदर सपोज़ मैंने इसमें इनिशियली क्या किया एक आइटम वन प्लेस किया जैसे ही मैंने इसमें एक आइटम वन प्लेस किया तो अब क्या करूंगा मैं काउंटर को यहाँ पे प्लस प्लस कर दूंगा काउंटर को प्लस प्लस कर दूंगा राइट right? तो जैसे एक आइटम आया अब काउंटर को सपोज इनिशियल वैल्यू क्या है काउंटर की इनिशियल वैल्यू क्या है मैंने जीरो ले रखी है तो अब बताइए यहाँ काउंटर की वैल्यू क्या होगी वन हो जाएगी राइट right? काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी वन हो जाएगी यस और नो यस अगर आपने एक आइटम प्लेस किया है खमो कहाँ आप लोग नाश्ता कर रहे हो क्या हाँ गुड यस yes. तो जैसे ही प्रोड्यूसर ने एक आइटम इसमें प्लेस किया तो क्या हुआ यहाँ पे उसने काउंटर को प्लस प्लस कर दिया मीन्स एक आइटम उसमें आ चुका है अब कंज्यूमर जो है उसने चेक किया यहाँ पे क्या काउंटर इक्वल टू जीरो है नहीं है मीन्स काउंटर की वैल्यू क्या थी वन थी तो मीन्स उसको कोई एक्शन लेना है मीन्स अब वो यहाँ पे कंज्यूम करेगा तो यहाँ पे हमने क्या किया कंज्यूम करना है हमें कंज्यूम कोड यहाँ लिख देंगे कैसे आपको ये कंज्यूम करना है और यहाँ पे जब आपका ये काउंटर इक्वल टू अगर बफर साइज़ नहीं है मीन्स काउंटर इनिशियली क्या था आपका ज़ीरो था और बफर साइज थ्री था और तो ये अगर नहीं था तो एल्स पार्ट में हमने यहाँ क्या लिखा था इसका एल्स डाल दो और इसके एल्स में हमने क्या करने वाले हैं यहाँ पे नहीं तो हाँ एल्स में आएगा एल्स में हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे इसको मुझे नीचे पहुंचाना होगा hmm. में यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा प्रोड्यूस है सो ये सिंपल सा आइडिया है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का दैट प्रोड्यूसर हैज़ टू प्रोड्यूस आइटम प्लेस इट इन द बफर विच इज शेयर्ड बाय कंज़्यूमर आल्सो नाउ कंज्यूमर विल चेक आउट द काउंटर इफ देर इज सम आइटम इन द बफ़र इट विल कंज्यूम अदरवाइज इट कैन नॉट डू एनी प्रॉब्लम इज क्लियर वॉट इज प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम मीन्स यहाँ पे हमें क्या बताना था कि अगर प्रोड्यूसर कंज्यूमर दो कंकरेंट प्रोसेस हैं वो इंडिपेंडेंटली अलग प्रोड्यूस कर रहा है आइटम को कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है और एक ने उन्हें शेयर्ड मेमोरी एरिया लिया है उसका नाम बफर दिया है मैक्सिमम साइज़ कुछ भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम साइज तक ही प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा और अगर इसमें आइटम नहीं है तो कंज्यूमर कंज्यूम नहीं करेगा सो लेट्स सी और आगे क्या है इसमें ये बता रहे थे कि प्रोड्यूसर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ए प्रोड्यूसर प्रोसेस प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन दैट इज कंज्यूम्ड बाय ए कंज्यूमर प्रोसेस फॉर एग्जांपल अ कंपाइलर में प्रोड्यूस असेंबली कोड दैट इज कंज्यूम्ड बाय एन असेंबलर मीनस कंपाइलर आपका क्या करता है असेंबली कोड जनरेट करता है जो कंज्यूम कौन करता है असेंबलर अब असेंबलर के पास जब कोड आता है तो क्या करता है बाइट कोड्स बना देता है मीन्स आपकी मशीन लैंग्वेज का कोड जनरेट करता है और वो कौन कंज्यूम करेगा लोडर दैट इज वॉट रिटर्न हेयर असेंबलर इन टर्न में प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स

Let's see what is the solution. One solution to the producer-consumer problem is use a shared memory. buffer. To allow producer and consumer process to run concurrently, we must have available a buffer of items that can be filled by the producer and emptied by the consumer. Means. अगर आपको प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रोसेस को कंकरेंटली रन करना है तो वो कैसे रन कर सकते हैं अगर हमारे पास में एक शेयर्ड बफर एरिया है तो उसमें क्या करेगा प्रोड्यूसर आइटम को पुट करता जाएगा एंड कंज्यूमर वहां से आइटम्स को पिक करता रहेगा इन दिस मैनर दे कैन बी सिंक्रोनाइज ऐसा वो सोच रहे हैं इशू क्या आएगा वो हम बाद में देखेंगे तो नाउ दिस बफर विल रिसाइड इन रीजन ऑफ मेमरी दैट इज शेयर बाय द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रोसेस ऑब्वियसली के आपका ये जो बफर एरिया है वो एक ऐसे रीजन में होना चाहिए जो कि शेयर्ड हो प्रोड्यूसर के साथ भी और कंज्यूमर के साथ भी नाउ ए प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस वन आइटम कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग एनदर आइटम नाउ प्रोड्यूसर अपना अलग प्रोड्यूस कर रहा है आइटम को कंज्यूमर अलग कंज्यूम कर रहा है सो दे कैन रन कंकरेंटली। नाउ इशू क्या आने वाला है द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर मस्ट बी सिंक्रोनाइज प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर को अपने एक्शन को सिंक्रोनाइज़ करना होगा क्यों सो दैट द कंज्यूमर डज नॉट ट्राई टू कंज्यूम एन आइटम दैट हैज़ नॉट येट बीन प्रोड्यूस्ड मीन्स के अगर जैसे मैंने टीवी का एग्जाम्पल लिया कि अगर अभी पापा टीवी देख रहे हैं तो आप जाके उनसे रिमोट नहीं ले सकते हो राइट right? तो आप जाके उनसे रिमोट नहीं ले सकते हो क्योंकि अभी उनका न्यूज़ का टाइम चल रहा है सिमिलरली इन प्रोड्यूसर कंज्यूमर वॉट विल हैपन दैट कंज्यूमर डज नॉट ट्राई टू कंज्यूम एन आइटम मीन्स कंज्यूमर कोई आइटम को कंज्यूम की कोशिश कर रहा है जबकि प्रोड्यूसर ने अभी तक उसको बनाया ही नहीं है मीन्स बफर खा ली है और कंज्यूमर जाके वहां से आइटम को पिक करने की कोशिश कर रहा है दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ प्रोड्यूसर कंज्यूमर सो इसको हम कैसे सिंक्रोनाइज करेंगे मीन्स कैसे ताल बैठा लेंगे कि हाँ अच्छा अभी तुम्हारी बारी है ओके गो ऑन नेक्स्ट टर्न मेरी है तब मैं आऊँगा तब इसको देखता हूँ ठीक है सो लेट सी हेयर इज अ प्रोड्यूसर प्रोसेस अब देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जब आपका काउंटर बफर साइज के बराबर होगा तो प्रोड्यूसर कुछ नहीं करेगा राइट right? क्योंकि उस जितने भी मैक्सिम आइटम प्रोड्यूस करने थे वो प्रोड्यूस कर चुका है इट हैज टू डू नथिंग अब यहाँ पे देखिए ये क्या कोड है ये मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ मैं इसको अलग से ही उठा लेता हूँ और यहाँ लेकर आता हूँ छोटा कर देते हैं वो ज्यादा छोटा हो गया ना दिख नहीं रहा इसको यहाँ लिखा हूं चलो अभी तो प्रोड्यूसर का है ना कहा गया ओके okay, चलिए इसको देखते हैं इस कोड को एनालाइज करते हैं अब देखिए वाइल क्या है ट्रू ट्रू अगर आप लिखते हैं या वन लिखते हैं दिस इनफाइनाइट लूप ये कब तक ये इनफाइनाइट लूप चलेगा जब तक यहाँ पे आपकी कंडीशन कोई फेल नहीं हो जाती तो यहाँ देखिए क्या है अगर काउंटर का साइज बफर साइज के बराबर है देन दिस प्रोसेस विल डू नथिंग उसके बाद क्या करना है सपोज यहाँ पे इन्होंने क्या लिया इन एक आपका काउंटर है सपोज इन in हमने इनिशियल वैल्यू क्या ले ली है जीरो ले ली है ठीक है अब बफर आपका सपोज क्या है एक स्टैक मान लीजिए तो हमने क्या किया है बफर में नाउ वेयर टू राइट Hmm, यहाँ लिख देते हैं अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है एक बफर जो लिया था इनिशियली हमारा इनकी वैल्यू क्या है जीरो सो बफर जीरो में हमने क्या प्लेस करना है आपको ये आइटम जो भी प्रोड्यूस कर दीजिए ठीक है नाउ आपका जो इन काउंटर है अब ये देखिए ये जो कोड है इन इक्वल टू इन प्लस वन रिमाइंडर बफर साइज हैव यू सीन दिस कोड बिफोर इन योर डेटा स्ट्रक्चर यस और नो हैव यू सीन दिस कोड इन योर डेटा स्ट्रक्चर वाइल यू आर स्टडिंग वॉट क्यू एंड टाइप ऑफ क्यू इज दिस डू यू रिमेंबर एनी वन रिमेंबर एनी वन रिमेंबर ऐसा कोड आपने कहीं देखा है ना डेटा स्ट्रक्चर में विच टाइप ऑफ क्यू इज कोड इज दिस एन एवर वी आर ट्राइंग टू इनपुट आइटम इन अ क्यू स्पेशल टाइप ऑफ क्यू वॉज देयर